नमस्कार दोस्तों, मैं निहार देवनाथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग इस लैंडस्केप के थ्रू सीखेंगे कि वार्म कलर्स और कूल कलर्स को उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग का लाइट और शेडो कैसे उभर के आता है, शेडोज़ में हम लोग क्या क्या कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसे भी हम लोग आज जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, ये पेंटिंग आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों आप लोगों का एक लाइक और कमेंट्स मुझे दूसरे वीडियोस बनाने में प्रेरित करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा। और आपका अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कार्य को करने के लिए उस जगह को पहले पानी से भिगो लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस सीन में बहुत धूप दर्शाएंगे, जिस वजह से हम लोग कोबाल्ट ब्लू का एक हल्का सा लेयर हम लोग लाइट टोन में ही उसको करेंगे। उसके बाद जो दूर के पेड़ पौधे हैं उसे दर्शाने के लिए उसमें मैं कूल कलर्स का इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों अगर कूल कलर की बात करें तो कलर व्हील में जितने भी कलर जिनमें ब्लू की मात्रा ज़्यादा है उन्हें हम कूल कलर्स कहते हैं, और जिनमें येलो की मात्रा ज़्यादा है उसे हम लोग वार्म कलर्स कहते हैं, उसमें रेड भी आता है। आगे इस पेंटिंग में हम लोग इन कलर्स को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे कि अभी हम लोग जो ज़मीन में जहाँ जहाँ पर भी धूप गिरा है उसमें हम लोग वार्म कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें येलो का गैम्बो ह्यू और बर्नसाइना का एक मिश्रण दे रहे हैं, जिसमें येलो आपको दिख ही रहा है कि येलो ज़्यादा है उसे हम लोग कर रहे हैं, और जहाँ पर ज़्यादा धूप हम दिखाना चाहते हैं वहाँ पर बहुत ही लाइट कलर लाइट टोन का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर शेडोज एरिया है उनमें थोड़ा डार्क यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ शेडोज़ में हम लोग कूल कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग जो जहाँ पर भी हम लोगों का जो कलर्स है, जो किसी भी चीज़ का एक अपना कलर होता है, उसके साथ साथ हम लोग लाइट के प्रतिकूल उसमें हम लोग कुछ कलर्स ऐड करते हैं। जैसे अगर किसी भी कलर्स में अगर लाइट गिरता है तो उसमें हम लोग वाइट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वार्म कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का जो सूर्य की रोशनी है उसमें बहुत वार्म कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो जितना जो भी धूप है वो ज़्यादा लोगों को दिखेगा। जैसे और जो जहाँ पर शेडोज़ है वहाँ पर ज़मीन का अपना एक कलर्स होता है, जो भी चीज़ के ऊपर हम लोग शेडोज़ डालते हैं उसका अपना एक कलर्स होता है, और शेडोज़ के चलते उसमें और भी कलर्स निकल के आते हैं, तो जिसमें कि हम लोग कूल कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ब्लू के साथ साथ रेड क्रिमसन लेक का भी इस्तेमाल किया है, जिससे एक वायलेट कलर दिखने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों वाटर कलर में जो कलर्स हैं, जितना भी आप वाइब्रेंट कलर लाते हैं तो आपका पेंटिंग देखने में सुंदर लगता है। मैं रियलिस्टिक पेंटिंग के बारे में नहीं बता रहा, मैं वाटर कलर का जो क्लासिक हम लोग जो पेंटिंग बनाते हैं जो देखने में बहुत खूब सुंदर लगे, देखते ही वो पेंटिंग नज़र आए, ऐसा नहीं कि फोटोग्राफ नज़र आए, फोटोग्राफ की तरह नहीं वो पेंटिंग की तरह नज़र आए, जिसमें कुछ अपनापन हो। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये जो घर मैं बना रहा हूँ उसका जो छत है, उसके जो ये टाली का छत होगा तो उसमें क्या होगा कि टाली का जो कलर्स होता है वो थोड़ा और भी डार्क कलर होता है, उसमें लाइट गिरने की वजह से हम लोग उसमें उसका जो टोन है उसे हम लोग हल्का कर रहे हैं, और जहाँ पर शेडो गिर रहा है जहाँ पर भी शेडो है उस शेडोज़ को हम लोग उसके साथ जो उसका कलर है उसके साथ हम लोग थोड़ा सा कूल कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि वायलेट का जो कलर्स है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अभी जो हम लोग घर बना रहे हैं, ये छोटा सा घर सामने भी है एक ठो, उसके जो शेडो एरियाज है उसको हमें कर दिए हैं, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके उस पर और डिटेलिंग ऐड करता जाऊँगा कि उसका उभरापन नज़र आए कि वो ज़मीन कैसा है। ये एक रोड है, रोड के बगल में थोड़ा ऊँचाई में ये घर है, तो इनको ये गांव में होते हैं, विलेजेस में आप देखे होंगे इस तरीके के घर, तो उसमें हम लोग जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पेड़ हैं
छोटे मोटे एक झाड़ियाँ हैं उसको हम लोग, क्योंकि उसमें धूप ज़्यादा है इसलिए हम लोग उसे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करें, जैसे पहले लेमन येलो का इस्तेमाल किए उसके ऊपर हम लोग उसमें ग्रीन। और अभी यहाँ पर जो घर है उसके बगल में ही दो तीन पेड़ हैं जिसका जो छांव है, जो शेड है वो नीचे गिरा है, इस वजह से मैंने उसे उसके साथ साथ ही डार्क कलर के साथ साथ ही उसे मैंने किया है। और अभी हम और जहाँ जहाँ पर शेडोज एरिया वहाँ पर हम लोग डार्क कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे उतना ही आपका लाइट नज़र आएगा, क्योंकि जो रोशनी है वो जितना कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ही लाइट तेज होगा, वो पेंटिंग में नज़र आएगा। और यहाँ पर जो दूर के पेड़ पौधे हैं उसे हम लोग बहुत ही लाइट कलर में ही, लाइट टोन में ही कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो मैंने जैसे कि अभी बताया था कि यहाँ पर एक पेड़ है उसे हम लोग अभी करेंगे, तो उससे पहले सबसे कुछ वार्म कलर्स में जो ग्रीन है ग्रीन के साथ कर रहे हैं हम लोग, लेमन येलो का इस्तेमाल पहले किए हैं ताकि वो जो कलर्स है लेमन येलो और शेप ग्रीन का वो कलर्स देखने में अच्छा लगे। और उसके बाद हम लोग उसमें डार्कनेस ऐड करते जाएंगे, क्योंकि राइट के साइड हम लोगों का सन है वहाँ पर लाइट गिरा है तो उधर रखेंगे, और बाएं तरफ हम लोग उसका शेडोज रखेंगे जो कि जितना डार्क हो सके हम लोग यूज़ करेंगे, देखने में भी अच्छा लगे। और अभी हम लोग एकदम सामने एक पेड़ है जो हिला हुआ है, उसे हम लोग उसका जो कलर्स है वो कलर्स उतना नज़र नहीं आएगा, जिस वजह से क्योंकि पीछे लाइट है और सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका वो ब्लैक की तरह नज़र आता है, इस वजह से हम लोग इसे ब्लैक से अभी किए हैं। और इसका पेड़ को हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ब्लैक से जो उसके पेड़ की टहनियाँ उसे बना रहा हूँ। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा ग्रीन नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स हम लोग को नज़र आते हैं, आप देखे भी होंगे कि पत्ते हमेशा ग्रीन भी नहीं होते हैं, उसमें कलर्स आते हैं। और लाइट और शेडो की जब बात कर रहे हैं तो हम ब्लैक यानी कि शेडोज, डार्क कलर्स एक ऐसा चीज़ है, अपने पेंटिंग में आप लाइट का जो एस्टैब्लिशमेंट है उसे आप डार्क और लाइट टोन के थ्रू आप दर्शा सकते हो, और मिडिल टोन और डिटेलिंग हम लोग बाद में भी कर सकते हैं अगर ठीक ठाक, अगर आप डार्क और लाइट का एस्टैब्लिशमेंट आपने पेंटिंग में कर दिया तो आपका जो पेंटिंग है वो लगभग कंप्लीट की तरफ चला जाता है। और उसके बाद आप जितना चाहे उतना उसमें डिटेलिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो हम लोग वही कर रहे हैं धीरे धीरे, जो हम लोगों को लाइट है कहाँ पर लाइट है कहाँ पर डार्कनेस है उसे हम लोग धीरे धीरे करके कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो कुछ झाड़ी वगैरह था, यहाँ पर जो लाइट है जहाँ पर लाइट गिरा है वो हम लोग को नज़र आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर वार्म कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किए हैं जिसमें येलो की मात्रा ज़्यादा है। और जैसे कि अभी हम लोग दूर के पेड़ बना रहे हैं उसमें वहाँ पर हम लोग शेडो दिखाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग उसमें ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर भी तीन टू पेड़ हैं उसे हम लोग उसी तरीके से करेंगे, लेकिन जो उस पेड़ में हम लोगों ने जितना डार्कनेस यूज़ किया है उससे थोड़ा ब्राइटनेस हम लोग इस यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि उसका जो लाइट है वो हम लोग को लाइट की तरफ नहीं शेडो की तरफ दिख रहा था वो पेड़, लेकिन ये जो पेड़ है इसमें हम लोग लाइट ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इसमें हम लोग येलो की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, यानी कि वार्म कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। आपने कलर व्हील में देखा कि जो वार्म कलर्स का पोर्शन है उसमें ग्रीन भी आता है, यानी कि उसमें ब्लू भी आता है, येलो के साथ ब्लू आकर ही हम लोग का जो ग्रीन कलर है वो बनता है, लेकिन अगर येलो की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे हम लोग वार्म कलर मानेंगे, और अगर ब्लू की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे हम लोग कूल कलर्स में जानेंगे। अब पेड़ के एक साइड में लाइट गिरता है तो दूसरे साइड तो डार्कनेस भी होता है, शेडोज़ भी होते हैं, तो उस शेडोज़ में हम लोग कूल कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोगों को एक पेड़ मल्टी कलर्स यूज़ करने हैं, कुछ क्रिएटिव
बनाना है, तो उसे हम लोग अगर कूल कलर्स वार्म साइड यानी कि लाइट की साइड जहाँ पर सूर्य की रोशनी गिरेगी उस साइड हम लोग वार्म कलर्स का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करेंगे ताकि वो पेड़ हम लोग का इंटरेस्टिंग बने। और अगर कूल कलर्स जो शेडोज एरिया है उनमें हम लोग अगर कूल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों का जो पेंटिंग है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जो अब शेडोज एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ा बहुत डिटेलिंग हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो का स्पीड मैंने ज़्यादा रखा है ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, और जो मैं बताना चाहता हूँ मैं आज आप लोगों को इस पेंटिंग के थ्रू वार्म कलर्स और कूल कलर्स का इस्तेमाल और कहाँ पर कैसे करना है, कहाँ कहाँ पर आप वार्म कलर्स यूज़ कर सकते हैं, कलर्स में वेरिएशन ला सकते हैं और कूल कलर्स में वेरिएशन कैसे ला सकते हैं उसे हम लोगों ने देखा। दोस्तों अभी हम लोग जो छत के ऊपर जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो जो सेम कलर है उसका हम लोग डार्क टोन यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग जितना पेंटिंग को कंप्लीट की तरफ जाएंगे हम लोग उतना ही उसमें डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे। ये एलिमेंट्स आपके पेंटिंग्स को और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है इस पेड़ को हम लोग थोड़ा डार्क करेंगे क्योंकि वो सूखने के बाद थोड़ा लाइट हो गया था, अगर तभी कर देते तो उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं आता। तो इस वजह से हम लोग क्योंकि ये सामने दिखाना है इस वजह से हम लोग इसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट करेंगे और कुछ जगह छोड़ेंगे जहाँ जिसके थ्रू हम लोग को लाइट दिखेगा। यहाँ पर लाइट का एक पिलर है उसको हम लोग ने किया है, और दूर में पर्सपेक्टिव्स का भी ध्यान रखना है आपको कि चीज़ें कहाँ से कैसे नज़र आ रही हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर ये पेंटिंग आपको पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक का बटन भी दबाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।